मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक कपल को जो कि स्कॉटिश आइलैंड के एक जंगल में कैंपिंग करने आए होते हैं, जहां पर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को एक सिल्वर लेटर ओपनर गिफ्ट करती है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। रात को जब वो दोनों अपने टेंट में थे तो उनकी टेंट की चैन अपने आप खुलने लगती है। अभी वो कुछ समझे भी नहीं थे तभी कोई खूंखार जानवर उस लड़की को पकड़कर चीर देता है और इसके बाद लड़के को भी। हम देखते हैं कि आज फुल मून है, यानी कि ये काम किसी वेयरवुल्फ का है। इसके बाद हम देखते हैं कॉपर नाम के एक सोल्जर को जो कि जंगल में भाग रहा है और कुछ लोग उसके पीछे लगे हैं। कैप्टन रिचर्ड रायन उसे पकड़ लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कॉपर स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए उसका टेस्ट चल रहा है जिसमें वो ऑलमोस्ट पास हो गया है। अब बस एक आखिरी टेस्ट बचा है जिसमें उसे एक बेकसूर डॉग को मारना होगा। ये रायन का ऑर्डर था लेकिन वो इसे नहीं मानता। तब रायन कहता है कि अगर तुम एक कुत्ते को नहीं मार सकते तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। जवाब में वो कहता है कि कुत्ते को तो मैं मार सकता हूँ लेकिन बिना रीजन के मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर रायन उसे फेल कर देता है और साथ में उस डॉग को भी मार देता है। कॉपर को इतना गुस्सा आया कि वो सीधा ही उससे भिड़ गया, लेकिन वो क्या ही कर सकता था, इतनी मेहनत के बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ। खैर यहाँ सीन शिफ्ट होता है सीधा एक महीने बाद। हम पहुँच जाते हैं स्कॉटलैंड के उसी जंगल में जहाँ 6 ब्रिटिश सोल्जर के स्क्वाड को उतारा गया है जिसमे कॉपर भी है। उसके साथ है स्क्वाड के कैप्टन सर्जेंट वेल्स, स्पून, जॉय, टेरी और ब्रूस। ये सब यहाँ पर आए हैं ट्रेनिंग के लिए और इनके अगेंस्ट हैं स्पेशल फोर्स के यूनिट जिन्हें कॉपर ज्वाइन करना चाहता था। वो लोग थोड़ी देर वहाँ रुककर जंगल में आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे। कॉपर उन्हें बताता है कि इस जंगल में बहुत से लोग गायब होते हैं। पिछले महीने एक कपल यहाँ से गायब हो गया था और ये उसी कपल की बात कर रहा है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। खैर वो आगे बढ़ रहे थे और उनके ऊपर नजर रख रहा था रायन। ऐसे ही रात हो जाती है और रात में जब वो लोग फायर के पास बैठकर बातें कर रहे थे तभी ऊपर से एक मरी हुई कैटल उनके पॉइंट फायर पर आकर गिर जाती है। वो लोग उसे देखकर डर गए थे क्योंकि उसके ऊपर दांतों के निशान थे। किसी जानवर ने बेरहमी से उसे चीर दिया था। टेरी रेडियो से मदद बुलाने के लिए कहता है लेकिन सर्जेंट वेल उसे मना कर देता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए वो रेडियो साइलेंस नहीं तोड़ेगा। इधर हम रायन को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रहा था, तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है। खैर अब वो लोग आगे बढ़ते हैं, फिर उन्हें कुछ मांस के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। वो समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी उन्हें एक फ्लेयर गन दिखाई देती है, वो उसी डायरेक्शन में चल देते हैं। स्पेशल फोर्सेस के बेस पर पहुंचकर वो देखते हैं कि हर तरफ खून था और उनकी लाशों के चीतरे हर तरफ फैले हुए थे जैसे किसी जानवर ने उन्हें मार कर उनकी लाशों को खाया हो। ये देखकर वो सब अलर्ट हो गए थे। वो असली वेपन को जमा कर रहे थे तभी वहाँ से एक आदमी उन पर हमला कर देता है। वो और कोई नहीं बल्कि रायन था जो कि बुरी तरह घायल था। उसकी छाती पर एक पंजे का निशान था। वो एक रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश कर रहे थे पर उन्हें सिग्नल नहीं मिलते। वो रायन को भी संभाल रहे थे और वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था जैसे कि वो एक ही होना चाहिए था और मुझे यहाँ से ले जाओ इससे पहले कि वो वापस आ जाए। रायन ने ही वो फ्लेयर गन चलाई थी और अब इन सबको दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि इनके पास तो नकली गन्स थी जबकि यहाँ पर सारी असली गन्स हैं। साथ में बेहोशी के डार्ट्स भी हैं और कई सारे नेट्स भी हैं जैसे कि ये ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि सफारी के लिए निकले थे। रायन कहता है कि उसने मेरी आंखों के सामने सबके टुकड़े कर दिए, उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सार्जेंट उससे पूछता है कि वो किसकी बात कर रहा है। तभी जंगल में से अजीब आवाजें आने लगती हैं और वो वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। ब्रूस उन्हें कवर दे रहा था तभी कोई उसके पीछे लग जाता है। वो घबराकर भाग रहा था तभी एक पेड़ की टहनी उसके आर पार हो जाती है और तभी कोई उसे खींच कर ले जाता है। ब्रूस की लाश को देखकर सार्जेंट भी भागता है, तभी उस पर भी हमला हो जाता है और हमला इतना भयानक था कि उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ गई थी। यहाँ उसके भी चीथड़े होने वाले थे लेकिन सही टाइम पर कॉपर उसे बचा लेता है। कॉपर उसकी हाथों को अंदर फिट करके वो उसे लेकर भागता है और ऐसे ही गोलियां चलाते हुए वो पहुंच जाते हैं एक रोड तक जहां से एक कार गुजर रही थी। किसी तरह उस कार को रुका लेते हैं और उसके अंदर थी मेगन नाम की एक लड़की जो कि उन सबको अंदर बैठा लेती है, लेकिन एक वेयरवुल्फ भी उनके ऊपर चढ़ गया था। तब वो उसके हाथ पे स्टैप करके उससे पीछा छुड़ाते हैं। मेगन कहती है कि यहाँ आसपास सिर्फ एक ही घर है और वो उसके ऑनर को जानती है। उन सबको लेकर वो वहाँ पहुँच जाती है लेकिन घर एकदम खाली था जो कि काफी अजीब है क्योंकि डाइनिंग टेबल रेडी है और खाना भी बन रहा है। उस घर में सिर्फ एक डॉग था। सार्जेंट की हालत खराब है इसलिए उसे यहाँ से ले जाना होगा। मेगन बताती है कि सबसे नजदीक टाउन पहुँचने में 4 घंटे लगेंगे लेकिन और कोई चॉइस नहीं है इसलिए
कॉपर इसके लिए भी तैयार है। वो कार को रेडी करने जाता है तभी उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि कार को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया था और करने वाले भी वहीं पर हैं। तब कार को ब्लास्ट करके वो अंदर पहुंचता है और हम देखते हैं जो उस घर के अंदर डॉग था वो सार्जेंट की इंटेस्टाइन को खा रहा था। अब ये कहीं जा नहीं सकते इसलिए यहाँ रुकना इनकी मजबूरी है और यहाँ ये भी जान चुके हैं कि इनका सामना किससे है, लेकिन इनके पास इतनी गोलियां नहीं है इसलिए इन्हें घर को ही सेफ बनाना पड़ेगा। अब वो पूरे घर को सील कर रहे थे। कॉपर सार्जेंट को लेकर ऊपर एक रूम में जाता है और उसके पेट को सुपर ग्लू से चिपका रहा था ताकि उसकी आंतें बाहर ना आए। विस्की पिलाकर उसे ड्रंक कर दिया गया था लेकिन फिर भी उसे दर्द हो रहा है, इसलिए कॉपर दो मुक्के मारकर उसे बेहोश कर देता है। इस बीच मेगन उसे बताती है कि वो एक जूलॉजिस्ट है। इधर बाकी सब हथियार जमा करने में लगे हुए थे और उन्हें कुछ काम के हथियार मिल भी गए थे। मेगन उन्हें लड़ने से पहले बताती है कि उनकी लड़ाई है लाइकन थेरेपिस्ट से, यानी कि वेयरवुल्फ से। वो बताती है कि एक साल से वो उनके ऊपर रिसर्च कर रही है और उसे पता चला है कि वो टीम की तरह शिकार करते हैं। वो इंसानों की तरह स्मार्ट है और भेड़ियों की तरह खूंखार, उन्हें मारा नहीं जा सकता। अब फिल्मों में दिखाते हैं कि सिल्वर ब्लड उन्हें मार देती है लेकिन मेगन कहती है कि ये तरीका कोई ट्राई नहीं कर पाया इसलिए कहा नहीं जा सकता। कॉपर उस घर में रहने वाली फैमिली की फोटो देखता है, तब मेगन बताती है कि उनका नाम है वुड्स और वो खानदान सदियों से यहाँ पर रह रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। अब आ जाते हैं रायन पर, जो कि कुछ देर पहले तक ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगा लेकिन अब उसकी हालत एकदम परफेक्ट है और जबकि किसी ने उसका कोई इलाज नहीं किया। ये बात सबको हैरान कर रही थी इसलिए वो सब जबरदस्ती रायन को वाउंड चेक करते हैं, लेकिन अब कोई वाउंड बचा ही नहीं, वो पूरी तरह हील हो गया है। वो सब समझ गए थे कि रायन कुछ तो छुपा रहा है इसलिए वो उसे चेयर पर बांध देते हैं। तभी वहाँ अंधेरा हो जाता है क्योंकि उन वेयरवुल्फ्स ने जनरेटर बंद कर दिया। जैसा कि मेगन ने कहा था वो काफी स्मार्ट थे, अब वो हमला करेंगे। इधर ये सब भी तैयार होते हैं। इधर वेयरवुल्फ्स अंदर आ रहे थे और ये उन्हें रोक रहे थे लेकिन गोलियों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर भी ये सब बहादुरी से उसका सामना कर रहे थे। कॉपर ने तो एक का हाथ काट भी दिया लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि सर्जेंट ऊपर अकेला है। ऊपर जाकर वो देखता है कि एक वेयरवुल्फ अंदर आ चुका था और इससे पहले कि कॉपर कुछ करता दूसरा वेयरवुल्फ उसे पकड़ लेता है। चिल्ला चिल्ला कर वो सर्जेंट को जगाता है और इसके बाद खुद को फ्री करता है। यहाँ वो मिलकर उन भेड़ियों को मार कर नीचे गिरा देते हैं। नीचे भी जो हाई वोल्टेज एक्शन चल रहा था वो भी अचानक शांत हो गया, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी है। वो सब रिलैक्स हो गए थे तभी एक भेड़िया टैरी को पकड़ कर ले जाता है। कॉपर कहता है कि हम उसे वापस लेकर आएंगे लेकिन रायन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, वो कब का मर गया होगा। तब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें सुबह तक खुद को बचाना होगा लेकिन उनके पास गोलियां बहुत कम हैं। यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि मेगन और रायन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जब रायन पहली बार यहाँ आया था तब मेगन ने ही उसे गाइड किया था। खैर अब वो सब होपलेस होते जा रहे थे क्योंकि उनके बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। तब मेगन कहती है कि सामने बर्न में एक कार खड़ी है जिसमें बैठकर हम सब यहाँ से निकल सकते हैं, और ये बात सुनकर वो सब काफी खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें एक उम्मीद मिली थी। वो प्लान बनाते हैं कि स्पून वेयरवुल्फ का ध्यान भटकाएगा और इतने में जॉय उस कार को लेकर आएगा। स्पून रस्सी के सहारे नीचे जाता है और प्लान के मुताबिक भेड़िया उसके पीछे लग गए थे। तभी जॉय बर्न में पहुंच जाता है और इधर स्पून वापस ऊपर आने में कामयाब हो गया था लेकिन उसके पीछे भेड़िया भी ऊपर आ रहा था। तब मेगन कैमरे की फ्लैश उनकी आंखों में मार कर उन्हें पीछे कर देती है और इतने में स्पून रस्सी काट देता है। उधर जॉय ने कार को स्टार्ट कर लिया था तभी वो देखता है कि सामने एक भेड़िया बैठकर टैरी को खा रहा है। जॉय जल्दी से कार को बाहर निकाल कर घर तक ले जाता है लेकिन वो कार को चेक करना भूल गया था। उस कार में एक भेड़िया था जो कि उसे भी मार देता है। जैसे ही वो सब कार तक पहुंचते हैं भेड़िया उन पर भी अटैक कर देता है लेकिन मेगन उसे शूट करके सबको बचा लेती है। वो सब सही सलामत अंदर पहुंच जाते हैं। कॉपर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसके कई साथी मारे गए थे और रायन से पूछता है कि आखिर हमें यहाँ क्यों भेजा गया। तब रायन बताता है कि मैं सरकार के कहने पर यहाँ आया था एक वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए ताकि वो वेयरवुल्फ मिलिट्री के काम आ सके, उसे वो एक हथियार की तरह यूज करते हैं लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि वो एक नहीं बल्कि कई सारे हैं और उन्हें पकड़ पाना इनके बस की बात नहीं। कुछ इस तरह इसकी पूरी टीम मारी गई लेकिन कॉपर अभी भी ये नहीं जान पाया कि इस सब में उसका क्या रोल था। तब रायन कहता है कि तुम्हारा कोई काम नहीं था, तुम सब बेट थे, उन्हें लाया गया था ताकि वेयरवुल्फ उनका शिकार कर सके और इसी का फायदा उठाकर रायन की टीम उसे पकड़ ले, लेकिन उनका सारा हिसाब किताब गलत निकला जिसकी कीमत वो अब तक चुका रहे हैं। और कॉपर की टीम को इसलिए चुना गया क्योंकि
भी उसने रायन का ऑर्डर नहीं माना था। ये सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो रायन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो देखते हैं कि वो भी एक वेयरवुल्फ में बदल रहा है। यही रीजन है कि उसके घाव अपने आप भर गए थे। पूरी तरह बदल जाने के बाद वो उन पर हमला करता है, तब कॉपर उसके अंदर तलवार घुसा देता है जिस वजह से वो भाग गया था। अब जाकर सब समझ पाए कि असल में वो फैमिली ही वेयरवुल्फ है जो कि अपने घर में आने के लिए बेचैन है, यानी कि पहले वो 5 थे और अब रायन को मिलाकर 6 हो गए। खैर जो भी हो, ये तो उन्हें मारकर ही दम लेंगे। वो पूरा घर छान मारते हैं ताकि उन्हें सिल्वर की कोई चीज मिल जाए, लेकिन अगर सिल्वर उन्हें मार सकता है तो वो उसे अपने घर में क्यों रखेंगे। ये रास्ता तो काम नहीं आने वाला, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उन सबको जला देंगे और यही बेस्ट मौका है क्योंकि मेगन कहती है कि अभी वो उस बर्न में आराम कर रहे होंगे और उन्हें ये सब जल्दी करना होगा क्योंकि आप जानते ही हो रायन की तरह सर्जन भी अब वेयरवुल्फ बनने वाला है। बाहर खड़ी कार में एक गैस सिलेंडर रख कर वो उसका फ्यूल पाइप काट देते हैं और कॉपर उसे बर्न तक ले जाता है। तभी सर्जेंट आग लगा देता है और वो कार ब्लास्ट हो जाती है। कुछ इस तरह वहां से निकलने की आखिरी उम्मीद भी उन्होंने तबाह कर दी। मेगन उन्हें सूरी कहती है क्योंकि उसने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उस बर्न में कोई वेयरवुल्फ नहीं था और जो भी कुछ मेगन ने बताया था वो सब भी झूठ है। यहाँ कॉपर भी समझ जाता है कि मेगन भी उस फैमिली का हिस्सा है और वो उस फैमिली फोटो में इसलिए नहीं है क्योंकि वो फोटो उसी ने ली है। यहाँ रिवील होता है कि मेगन भी एक वेयरवुल्फ है और उसने पहले ही अपने साथियों को घर में एंटर कर दिया था। अब वो बदल रही थी कि तभी सर्जेंट उसे गोली मार देता है। स्पून नीचे उनसे लड़ रहा था और कॉपर और सर्जेंट ऊपर। स्पून तो हाथापाई पर उतर आया था, आस पास की चीजों का यूज करके उसने भेड़िए को अधमरा कर दिया था, लेकिन तभी दूसरा भेड़िया बीच में आकर उसे मार देता है। बचते बचाते वो दोनों भी नीचे पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चल गया था कि स्पून भी मर चुका है। सर्जेंट कॉपर को एक फिल्म रोल देकर बेसमेंट में भेज देता है ताकि वो यहां से बचकर निकल जाए और ये प्रूव कर सके कि उसके साथियों को किसने मारा है। उस रोल में उन भेड़ियों के फोटोज हैं। अब सर्जेंट भी बदल रहा था, लेकिन बदलने से पहले वो गैस लाइन काट देता है और भेड़ियों को आते ही उसके साथ खुद को भी ब्लास्ट कर लेता है। कॉपर देखता है कि नीचे कई सारी डेड बॉडीज लटकी हुई थी और साथ में वहां पर रायन भी था जो कि उस पर अटैक करता है। तभी कॉपर को मिल जाता है वही सिल्वर लेटर ओपनर जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। खैर कॉपर उस सिल्वर का यूज करके रायन को स्टैप कर देता है और यहां प्रूफ हो गया कि मूवीज में दिखाई गई बात सच है, सिल्वर से इन्हें मारा जा सकता है। सुबह होती है और कॉपर उस डॉग के साथ वहां से निकल जाता है और आगे हम देखते हैं कि उसने वो सारी फोटोज पब्लिक कर दी है, सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।